दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केएल राहुल ने जड़ा दुनिया का सबसे लंबा छक्का, जिसे देखकर गेंदबाज ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी आतिया शेट्टी और उनके ससुर सुनील शेट्टी भी हैरान रह गए और दे दिया ऐसा रिएक्शन जिसे देखकर कोई भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। तो आखिर कैसे राहुल ने गेंदबाज को पहुंचाया स्टेडियम पार, उनका वो ऐतिहासिक छक्का देख क्या था आतिया और सुनील शेट्टी का हैरत अंगेज रिएक्शन, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और शुभमन गिल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। भारत की ओपनिंग शुरुआत बेहद खराब रही और ऋतुराज गायकवाड़ केवल बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया टीम की धज्जियां उड़ा दी। टीम के एक से बढ़कर एक घातक गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया। लेकिन भारतीय टीम को और तेजी से स्कोर बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आए और उनका साथ देने पर मैदान पर ईशान किशन आए। लेकिन केएल राहुल ने आते ही छक्कों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने लगे। इसके बाद केएल राहुल ने एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। केएल राहुल ने ये छक्का 34.3 ओवर फेंकने आए कैमरन ग्रीन की शॉर्ट गेंद को अपने फुल शॉट से इतना दूर मारा कि वो गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी। उनका ये दुनिया का सबसे लंबा छक्का देखकर गेंदबाज ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी आतिया शेट्टी और उनके ससुर सुनील शेट्टी भी हैरान रह गए। इन दोनों ने ऐसा रिएक्शन केएल राहुल के छक्के पर दिया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद भी केएल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करने लगे और उनके साथ ईशान किशन भरपूर दे रहे थे। उन्होंने भी आते ही अपने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने लगे और भारतीय टीम के स्कोर को 39.2 ओवर में केवल 3 विकेट के नुकसान पर 290 रनों तक पहुंचा दिया। और अभी भी ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर यही लग रहा था भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के सामने 400 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा करने वाली है, क्योंकि भारत के अभी और भी बल्लेबाज आना बाकी थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।